गणेश रुको। ये क्या हो रहा है दर्पण? हद होती है किसी भी बात की। कोई अपनी टीचर के साथ इतनी बदतमीजी करता है क्या? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आई ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी? गणेश, दर्पण, टीचर की ये हालत किसने की? आई पहले टीचर। हाँ प्रभा मैडम, आप देखिए ना आपके चिल्ड्रंस डे क्या किया। हैंड पेनिंग, बॉडी पेनिंग, लेग पेनिंग। आई शपथ, इंसान नहीं शैतान है ये दोनों। दर्पण, गणेश, तुम दोनों को शर्म नहीं आई ना? और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा करने की? आई, इन्होंने हमें। बस चुप अब, बिल्कुल चुप। आने दो तुम आज बाबा को। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बताया, पर आज मैं सब बताऊंगी। वही अकल ठीक करेंगे तुम्हारी। मेरे तो हाथ से निकल गए हैं ये दोनों। रावती, रावती। अब चिल्ड्रेंस है, इसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, सारा कसूर है ये हाथी का। बहुत बदमाश है, बहुत। हाथी नहीं, भाई है मेरा वो छोटा। दर्पण, शकुंतला जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है, आपको चोट लग सकती थी। आप बैठिए उधर चल के, मैं इन्हें फोन कर कर आती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब पापा को फोन लगाएंगी, पापा आएंगे यहाँ और दर्पण और गणेश को बहुत बीटिंग मारेंगे। किसने किया ये? क्या है गणेश? आई को अब और गुस्सा मत दिलाओ। क्या है गणेश? अभी हटो सामने से, मुझे बाबा को फोन करने जाना है। ताई, मेरे को लगता है कि ये मोटू आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है।
दर्पण? ये कैसे हो गया? किसने किया ये? ये इन्होंने मारा? प्रभा मैडम, काय बोलते तुम्हें? मैं चिल्ड्रंस को कभी मार सकती? मेरे चेहरे से ऐसा लगता है कि मैं कभी किसी चिल्ड्रंस को मार सकती? आप भी बताइए। अच्छा बताओ, बताओ आई को ये कैसे लगी? ये टीचर ने मारा तुमको? डरने की कोई बात नहीं है, बताओ आई को ये टीचर ने छाते से मारा तुमको? आज इस टीचरनी ने मुझे छाते से मारा। और कल नोचा भी था और बोला कि गणेश को जहर वाला चॉकलेट खिला देंगी। कितनी स्टोरीज बोलती है ये दर्पण। जहर का चॉकलेट, मैं उसको जहर का चॉकलेट देगी। अच्छा मैं दे दू। जहर का चॉकलेट है तो मैं खा के मर जाएगी ना। बहुत मस्ती करती। बस बस मिसेस राणे, हमारे देश में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। छी, पर आपको तो गुरु कहते हुए भी शर्म आती है। मेरी बच्ची को आप क्या पढ़ाएंगी? आपको तो किताबों को हाथ लगाने से पहले शर्म आनी चाहिए। आप अभी इसी वक्त मेरे घर से चली जाइए। अब प्लीज मेरा बिलीव करिए। दर्पण जो करिए, चॉकलेट है ना? आपसे कहा ना मैंने, जाइए। सॉरी, मुझे नहीं पता था वो गंदी टीचर तुम दोनों के साथ ऐसे कर रही है। मैंने आपको बोला था पर आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। आई से गलती हो गई, सॉरी। नहीं, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। अब मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। अब मैं किसी भी टीचर से नहीं पढ़ूंगी, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं बोलते। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। दर्पण,
जल्दी जल्दी जानवरों के खाल मूर्तियों में डालो, भाव को देर हो रहा है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसकी वाहिक। भाऊ भाऊ गलती हो गया भाऊ। संभाल के काम करने का। भाऊ दोबारा नहीं होगा भाऊ, भाऊ भाऊ माफ कर दो भाऊ। हमारे उधर बोलते मानो तो देव, ना ही तो पत्थर। पत्थर नहीं बोलने का, भगवान है वो। भगवान है भाऊ। जोश के में आया जी, आया। अरे पार्टनर है वो मेरा। पापा बताने का इनको, अरे भगवान है तुम्हारे लिए, अपना दोस्त है वो। पापा एक लफड़ा कर दिया दोस्ती में। पापा वो मेरा भाई उधर बहुत तकलीफ में, मेरा भाई को छोड़ा देने का जेल में से, मैं सब माफ कर देगा पापा, एक बार बोल दिया खलास जा डन। मोरे यारे बापा मोरे यारे, मोरे यारे बापा मोरे यारे, मोरे यारे। अरे बिजनेस नहीं आता है बापा, बोलने का डायरेक्ट। ईश्वरसराव दगड़ू पाटिल मेरे को बिजनेस नहीं आता है। अरे कोई भी फटेला कपड़ा पहन के आता है मंदिर में, बापा मोरिया करता है, उसका झोली भर देते हैं। चल बापा बिजनेस मालूम कैसे चलता है, एक हाथ दिए और एक हाथ लिए। देख 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 क्या क्या लाए ले भाई तेरे लिए, श्रीफल मोदक, तू भी क्या याद करेगा ईश्वरराव दगड़ू पाटिल से पाला पड़ा था। मजाक नहीं है बापा, ये देख ये फटकड़ा है, फटकड़ा बॉम्ब, और इसको खास आशीर्वाद देने का बिजनेस पार्टनर है ना, एकदम मटल तर मटल, बोल दिया तब बोल दिया। इस सारा खेल ये फटकरी का है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव जय देव जय देव। शुरू कर देवा की रिहाई, विजयी भवो। वो चुड़ैल मेरी बच्ची को डरा रही थी, मार रही थी, और मुझे खबर तक नहीं। हरा मानी चाहिए मुझे। कभी कभी हो जाता है प्रभा। नहीं महेश, दर्पण ने मुझसे कहा भी था, मैंने यकीन ही नहीं किया, लगा ये बहाना बना रही है। अपनी ही बच्ची की बात पर मैंने यकीन नहीं किया,
ही आई हूं मैं। दुनिया की सबसे अच्छी आई हो तुम। अरे एक बार धोखा खा गए उस टीचर से, लेकिन आखिर तुमने अपनी बच्ची को बचा ही लिया ना। मैंने नहीं महेश, गणेश ने बचाया अपनी बहन को। पर वो नहीं होता आज तो पता नहीं वो क्या क्या करती ये बच्ची के साथ। दर्पण बेचारी तो डर के मारे चुप थी, पर जानते गणेश भिड़ गया। बहन पर जाकर रख दी उस कमबख्त टीचर, अच्छा ही किया। बहन की रक्षा करके रक्षाबंधन की कसम निभा रहा है वो। और एक मैं हूं, आई होते हुए भी मुझे। तुमने कुछ गलत नहीं किया है प्रभा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दर्पण नाराज है मुझसे, और जानते हैं उसने ठान लिया है कि अब किसी टीचर से पढ़ाई नहीं करेगी। मेरी वजह से अब मेरी बच्ची पढ़ाई नहीं करेगी महेश, कैसे? प्रभा वो तो गुस्से में कह रही थी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? हाँ या ना? तो बस अपने पत्नी की और अपनी बेटी की फिक्र मुझे करने दो, और तुम अपने पति के लिए गर्मा गर्म खाना लगाओ। ओके। वैसे वो शैतान बच्चा है कहाँ? रूट कर मचान पर जाकर बैठी हो। मेरा भाई सबसे अच्छा मेरा भाई। एक टीचर नहीं आई, नोचा मुझको करीब पिटाई, आई ने भी डांट लगाई। बचाने आया मेरा भाई सबसे प्यारा मेरा भाई। मुझे उसने दर्पण का साथ निभाया, टीचर के मार से भी उसे बचाया, आई को भी सबक सिखाया, भाई हो कैसा सबको दिखाया। बेटा हमको माफ कर दे, चाहे तो कान पकड़ के सजा भी दे, बच्चा आई बाबा को खबर नहीं थी दर्पण कितना डरी हुई थी, आगे से ऐसा कभी ना होगा वरना हमको मुर्गा बनना होगा। कुकड़ू कू। अरे ओ, ओ, ओ।